अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब देखो ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक हाउस बिल्ड करना है तो जब मैं उसको बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट से लेके एंड तक ये जितना भी गैप होगा इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, और प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था इसका जो मेजर रोल होता है वो किसका होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, अब उसके अंडर में 30 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने हर एक एम्प्लॉय को, हर एक बंदे को अलग अलग टास्क असाइन किए हुए। ठीक है, मतलब उसने पहले एम्प्लॉय को टास्क दिया और कहा कि भाई ये आपने 4 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपको जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो ये होंगी। ठीक है, बजट कितना चाहिए वो ये होगा। ठीक है, इसी तरह उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने दूसरे एम्प्लॉय को भी टास्क दिया, उसको कहा कि भाई 3 दिन में आपका टास्क कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह जो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर जो 30 लोग काम कर रहे थे, 30 लोग काम कर रहे थे, उन सबको उसने अलग अलग टास्क दिए। ठीक है, और उन टास्क का ड्यूरेशन भी दिया, उनको रिसोर्सेज भी असाइन की और उनको बजट भी असाइन किया। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर याद कैसे रखेगा। ठीक है, मतलब कि कौन से एम्प्लॉय को कौन सा टास्क दिया था और उसकी डेडलाइन क्या थी, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज करता है एक टूल में। ठीक है, और हम यहाँ पे वो टूल यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है पहला पॉइंट, वी रिक्वायर्ड अ टूल फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट्स। मतलब प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे एम्प्लॉयज अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में है, ठीक है, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, उन सबको मैनेज कहाँ पे किया जाता है, एक टूल में किया जाता है जिसका नाम मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर सीरीज के अंदर यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2013। ठीक है, सही है, तो ये मेरे पास इसका सेटअप अवेलेबल है। ठीक है, जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे चैनल के ऊपर तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में इस सेटअप का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम यूज करेंगे एमएस प्रोजेक्ट 2013। आप इसका लेटेस्ट वर्जन भी यूज कर सकते हो, जिस तरह इसके आगे का लेटेस्ट वर्जन है 2016, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, दिस टूल इज मोस्टली यूज्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर्स। मतलब इस टूल को यूज कौन करता है, आपके जो प्रोजेक्ट के मैनेजर होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिस तरह मैंने बताया कि अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एक टूल की लाजमी जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम सारी टाइमलाइन सेट करते हैं, टास्क के नाम सेट करते हैं, उनकी ड्यूरेशन स्टार्ट कब हुआ एंड कब हुआ, ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। और देखो ये टूल आपके पास यूज करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके अंडर में बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं तो आप वर्बली मुंह जबानी तो उसको याद नहीं रख सकते ना। ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ेंगी और उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। अब देखो इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2013। ठीक है, मेरे पास इसका सेटअप अवेलेबल है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले आपके पास एक इंस्टॉल का बटन आएगा, फिर उसके बाद वो जो हम आई एक्सेप्ट करते हैं ना, ठीक है, वो आएगा और उसके बाद आपने सिंपल इंस्टॉल नाउ करना है। ठीक है, वो सिंपल इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी इंस्टॉलेशन है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है। पहला पॉइंट, पावरफुल एंड वाइडली यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफी पावरफुल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में काफी पावरफुल है और वाइडली यूज,
मतलब बहुत जगहों पे जहां जहां प्रोजेक्ट्स पे काम होता है हमारी सॉफ्टवेयर हाउसेज में कंपनीज में, वहां ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है, फिर इसका सेकंड पॉइंट प्रोवाइड सेवरल फीचर्स एंड एनहांसमेंट्स। मतलब ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है एमएस प्रोजेक्ट, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर हैं जिनको हम यूज करके अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आसान बना सकते हैं। फिर एनहांसमेंट्स, मतलब बहुत सारी एनहांसमेंट्स भी हुई है, बहुत सारी अपग्रेडेशन भी हुई है। ठीक है, अगर आप 2013 की बात करो तो उसके अंदर बहुत सारी एनहांसमेंट्स भी हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इनेबल्स टू परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एसेंशियल टास्क। एसेंशियल मतलब जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, नेसेसरी टास्क होते हैं। भाई देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब के जो जो एम्प्लॉयज जिनको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूंगा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूंगा उनकी ड्यूरेशन, उनको कितनी रिसोर्सेज दी गई हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट एंड रिमेनिंग कितना टाइम है, ये सारी चीजें मैं मैनेज कर सकता हूँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और कौन कौन से एसेंशियल टास्क हैं, मतलब बहुत सारे टास्क एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, जो लाजमी परफॉर्म करने होते हैं, लाजमी कंप्लीट करने होते हैं, उसके बगैर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनकी बात कर रहा है, मतलब वो भी हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो कुछ और बातें बता रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। एमएस प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वही बात आ गई, दैट हेल्प्स टू मैनेज द रिसोर्सेज। मतलब वो कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करके मैं अपना प्रोजेक्ट डेवलप करूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट में कौन कौन सी रिसोर्सेज को मैं यूज करूंगा, एंड टाइमलाइंस ऑफ अ प्रोजेक्ट एफिशिएंटली। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता हूँ, कौन कौन सी रिसोर्सेज है, और टाइमलाइंस। टाइमलाइंस का मतलब हर टास्क का ना एक टाइमलाइन होता है। ठीक है, कि भाई वो इतने टाइम फ्रेम के अंदर, इतने टाइम के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और एफिशिएंटली तरीके से, मतलब जो मैं मैनेज करूंगा रिसोर्सेज को, टाइमलाइंस को, वो एफिशिएंटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको मैनेज करूंगा इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, इट इज एन इंडिस्पेंसिबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। अब देखो एक नया वर्ड यूज हुआ है, इनडिस्पेंसिबल। देखो इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है लाजमी, ठीक है, जरूरी, सही है। मतलब जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है तो मुझे ये एमएस प्रोजेक्ट लाजमी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, इसके बगैर आप प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट नहीं कर सकते। हाँ, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो इससे मिलते जुलते हो या इससे अच्छे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कोई ऐसा टूल लाजमी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, इट इनेबल्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू एफिशिएंटली मैनेज स्मॉल टू लार्ज प्रोजेक्ट्स विद ईज। इसका मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सहूलत फराहम करता है कि वो एफिशिएंटली बहुत अच्छे तरीके से छोटे प्रोजेक्ट से लेके लार्ज प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सके विद ईज, बहुत आसानी से। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट, अलाउज टू वर्क मोर प्रोडक्टिवली, कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। मतलब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, प्रोडक्टिव तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो, फिर कम्युनिकेट कर सकते हो बहुत इफेक्टिवली तरीके से। अब इसका क्या मतलब है, भाई देखो आपने एक एम्प्लॉय को, एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को टास्क दिया और उसने कहा कि भाई 4 दिन में आपने ये टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका मतलब वो 4 दिन से एक्सीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसके टास्क, उसके टाइम ड्यूरेशन को पहले से मैनेज किया हुआ है इस टूल के अंदर। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो काम कंप्लीट नहीं करता या वो दिन ज्यादा ले लेता है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर उस एम्प्लॉय के साथ जो काम देर से कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन भी हो सकती है। फिर देखो एक्सेस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड है ना वो भी मैं देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अली एक एम्प्लॉय है, उसको मैंने क्या टास्क दिया था, ठीक है, वो दिखाओ, सही है, उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी सेट की थी वो मुझे दिखाओ, स्टार्ट डेट एंड डेट क्या, ये सारी चीजें मुझे दिखाओ,
मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर एंड ट्रैक प्रोजेक्ट्स मोर एफिशिएंटली। ट्रैक मतलब हम ट्रैक करते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जीपीएस का, ठीक है, गूगल अर्थ का, ठीक है, गूगल अर्थ पे हम किसी डिवाइस को, मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो टास्क मेरे पास उस प्रोजेक्ट के अंदर चल रहे हैं मैं उनको ट्रैक कर सकता हूँ। इस तरह मैंने बताया अली है, उसको 4 दिन का टाइम दिया है, तो मैं उसको ट्रैक करूंगा कि भाई वो जितना काम कर रहा है वो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सारी ट्रैक मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकता हूं। अब देखो अगला पॉइंट, एमएस प्रोजेक्ट प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली पावरफुल एंड विजुअली इनहेंस्ड फीचर। भाई देखो, प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली मतलब इसका जो आपके पास इंटरफेस होता है वो काफी यूजर फ्रेंडली होता है। भाई देखो, एमएस प्रोजेक्ट का इंटरफेस आपको उसी तरह से फील होगा जिस तरह अगर आपने एमएस वर्ड यूज किया हो, आपने एमएस एक्सेल यूज किया हो, ठीक है, तो उसी तरह का आपके पास इसका यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, यूजर फ्रेंडली पावरफुल एंड विजुअली इनहेंस्ड, मतलब ऐसे फीचर्स जो आपकी विजुअल कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। मतलब विजुअल किसे कहते हैं, देखने को, ठीक है। तो मतलब आपके पास इसमें चार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो चार्ट्स हो, ठीक है, या विजुअल कोई भी चीज हो, वो हमारी आईज को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, मतलब हमारे ब्रेन को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, जो चीज विजुअली बेहतर होती है। मतलब देखो, अगर मैं आपको वर्बली कुछ बताऊं तो वो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं आपको वो चार्ट दिखा के समझाऊं, कोई डायग्राम्स के थ्रू समझाऊं, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप यही कह रहा है, एमएस प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली पावरफुल विजुअली इनहेंस फीचर्स टू असिस्ट इन प्लानिंग। मतलब ये जितने भी फीचर्स हैं वो क्या करने में हमें हेल्प करते हैं, प्लानिंग करने में, ठीक है, टास्क की प्लानिंग करने में, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने में, शेड्यूलिंग, मतलब क्या शेड्यूल, मतलब कितने ये जो हमारे टास्क है उनको कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, कोलैबोरेटिंग मतलब दूसरे एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करना, क्लाइंट के साथ मिलकर काम करना, एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, मतलब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज होंगी। अब देखो, मशीन रिसोर्सेज भी यूज होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी यूज होती हैं। मशीन रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंटर चाहिए, ठीक है, ये रिसोर्सेज हो गई। ह्यूमन रिसोर्स मुझे फॉर एग्जांपल फला बंदा चाहिए ये काम करने के लिए, तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इट प्रोवाइड्स फीचर्स सच एज चार्ट्स एंड ग्राफ्स। मतलब देखो, ये जो भी आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हो ना, तो हमारे पास कुछ चार्ट्स ऑटोमेटिक भी क्रिएट होते हैं जो हमें समझाते हैं कि भाई आपका ये काम चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, और कुछ ग्राफ्स भी होते हैं, मतलब कुछ चार्ट्स ऑटोमेटिक भी आते हैं और कुछ चार्ट्स हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम किन किन चीजों को मैनेज करते हैं। सबसे पहला टाइम, भाई देखो, जब भी हमें कोई कस्टमर कोई प्रोजेक्ट देता है तो हम वो हमें बताता है ना कि भाई इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो हम उसी टाइम को मैनेज करते हुए अपना पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। फिर फाइनेंशियल मतलब बजट, उसने आपको बजट कितना दिया है, ठीक है। फिर कॉस्ट मतलब उसी बजट के अंदर रहते हुए जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी उनकी कॉस्ट को मैनेज करना, वो सारा काम हम इसमें करते हैं। फिर रिसोर्सेज, जिस तरह मैंने बताया प्रिंटर मशीन चाहिए एक रिसोर्सेज है, ठीक है, एक रिसोर्स है जो मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज करूंगा, उन रिसोर्सेज को भी मैं मैनेज कर सकता हूं अपने इस टूल के अंदर। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब कौन कौन से रोल्स, कौन कौन से लोग, कौन कौन से बंदे मुझे चाहिए, वो हमारी क्या हो गई, ह्यूमन रिसोर्स हो गई। एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है, मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। फिर देखो, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ डिवेलपिंग अ न्यू वेबसाइट फॉर कस्टमर्स। मतलब एक सिनेरियो आपको समझा रहा है कि हमें एक वेबसाइट डिवेलप करनी है बिल्कुल न्यू, किसके लिए, अपने कस्टमर्स के लिए। इन दिस केस द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द टाइम ऑन विच द डिलीवरेबल्स आर शेड्यूल्ड। मतलब जब अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसको मैनेज करना है, टाइम को, कि भाई उस टाइम के अंदर रहते हुए मुझे अपने डिलीवरेबल्स मतलब जो मुझे डिलीवर करनी है चीजें उनका मैं शेड्यूल बनाता हूँ, ठीक है।
मतलब टाइम को देखते हुए जितना टाइम मुझे गिवन हुआ है उसका मैं एक शेड्यूल बनाता हूं कि उसके अंदर कौन कौन से टास्क, कौन कौन से डिलीवरेबल्स मुझे डिलीवर करने हैं, एंड मेक श्योर टू डिलीवर द डिलीवरेबल्स विद इन द कंसिडर्ड टाइम फ्रेम। इसका मतलब जो टाइम आपको दिया है ना क्लाइंट की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, उसी के अंदर रहते हुए आपने, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब उनको डिलीवरेबल्स कहा जा रहा है, वो सारे आपने डिलीवर करने हैं उसी टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए जो आपको क्लाइंट ने दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, द फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। फाइनेंस मतलब पैसा, बजट। ठीक है, ये हमें कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है, क्लाइंट। भाई देखो अब होता है, पता है क्या, जो क्लाइंट हमें बजट दे रहा है ठीक है, उसी के अंदर रहते हुए हमें पूरा प्रोजेक्ट भी बनाना है, उसी के अंदर हमें अपना प्रॉफिट भी रखना है, समझ रहे हो। मतलब एक बजट दिया है, फॉर एग्जाम्पल उसने 1,00,000 दिया है अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 60-70% मतलब 60,000-70,000 का काम मैं अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, और बाकी जो 30,000-40,000 रुपए बचेंगे वो मेरी कंपनी के प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, तो ये काम भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, द फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट शुड बी मैनेज बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो दो चीजें बता रहा है, जो क्लाइंट ने आपको फाइनेंस दिया है, जो आपको बजट दिया है, उसी के अंदर रहते हुए आपने अपनी रिसोर्स की कॉस्ट भी निकालनी है और ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉस्ट भी निकालनी है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब जो जो बंदे मैं हायर करूंगा उनको सैलरीज देनी पड़ेगी ना, ठीक है, तो और जो जो रिसोर्सेज चाहिए, जिस तरह प्रिंटर नहीं है तो उसको अगर मैं परचेस करूंगा तो उसकी कॉस्ट आएगी, ह्यूमन को हायर करूंगा तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, वो कॉस्ट। तो ये जितनी भी कॉस्ट है ये उसी फाइनेंस से, उसी बजट से हमें मैनेज करना है जो हमें किसने दिया है, क्लाइंट ने दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे यही कह रहा है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर डिराइविंग मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल विद क्वालिटेटिव डिलीवरेबल्स। इसका मतलब अपने प्रॉफिट को भी, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को भी मद्देनजर रखना है, और जो हम सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे, जो डिलीवरेबल्स डिलीवर करेंगे, वो भी क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अब देखो कुछ और बातें यहां पे बता रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। द रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। भाई देखो यहां पे ये कह रहा है, जो जो रिसोर्सेज आपके प्रोजेक्ट के अंदर जरूरत पड़ेगी उसको आपने यूटिलाइज करना है एक एफिशिएंट मैनर में। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंटर एज अ रिसोर्स परचेज कर लिया लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, मतलब जो जो रिसोर्सेज आपको अलॉट हुई हैं उनको आपने एफिशिएंट तरीके से क्या करना है, यूटिलाइज करना है, यूज करना है। फिर देखो, अदर देन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन रिसोर्स के अलावा, द रिसोर्सेज मे बी द मशीन्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स हो सकती है, मशीन्स भी तो एज अ रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं ना, कि जो मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर का बुनियादी ढांचा होता है। ठीक है, जो इनिशियलाइज का एक ढांचा होता है शुरुआती, ठीक है, वो उसको हम कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे यही कह रहा है, ह्यूमन रिसोर्स के अलावा रिसोर्सेज हो सकती है मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलाइज फॉर डेवलपिंग द वेबसाइट, सर्वर्स, सॉफ्टवेयर टूल्स एंड सो ऑन। मतलब देखो, मशीन्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके, ये दोनों क्या है, रिसोर्सेज हैं, इनको यूज करते हुए मैं क्या डेवलप कर सकता हूं, वेबसाइट डेवलप कर सकता हूं, सर्वर, सॉफ्टवेयर टूल्स एंड सो ऑन। क्योंकि देखो जितनी भी चीजें हैं उनके लिए मुझे मशीन्स की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो वो मशीन्स क्या है, वो भी हमारे पास रिसोर्सेज ही कहलाएंगी। जिस तरह ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, उसी तरह ये मशीन्स भी हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द अदर फैक्टर्स इंक्लूडेड आर रिस्क। मतलब कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है हमें लाजमी। फॉर एग्जाम्पल रिस्क, मतलब कौन कौन से रिस्क हमारे इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। भाई देखो, एक जो एक्सपीरियंस टीम होती है ना, वो जब भी कोई सॉफ्टवेयर लेती है बनाने के लिए, तो उसको पता होता है कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को भी मैनेज करना पड़ता है, और ये मैनेज कौन करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर,
क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वही होते हैं ना, किसी फ्रेशर को तो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाया जाता ना, ठीक है, एक्सपीरियंस बंदा होता है जिसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। फिर टाइमली डिलीवरेबल, ठीक है, टाइमली डिलीवरेबल्स का मतलब कि जो आपको डिलीवर करनी है चीजें, जो सॉफ्टवेयर आपको डिलीवर करने हैं वो टाइम टू टाइम होने चाहिए, वो लेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन विद क्लाइंट, भाई देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आपके क्लाइंट के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तभी तो आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पता चलेंगी ना, ठीक है। और रिसोर्सेज फॉर एंड सो ऑन, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, कोऑर्डिनेशन विद क्लाइंट है, रिस्क है, टाइमली डिलीवरेबल्स है, ये सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जिसको हमें लाजमी मैनेज करना पड़ता है।